हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ सेवर ट्रेडर में। तो गाइज, आज जो हम कॉर्टेक्स ऐप में जो डिपॉजिट वैलिड हो जाता है उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं वो हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पर 2000 रुपया, ठीक है, ये वैलिड हो गया था। ठीक है, तो वैलिड होने के बाद हुआ क्या था वहाँ कि जब हम डिपॉजिट कर रहे थे तब वहाँ UTR डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, और मेरा टाइम भी एक्सपायर हो गया था इसीलिए मेरा डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर ट्रैक किया वही UTR नंबर डाल के, तो फिर नहीं हुआ। फिर दूसरा बार ट्रैक किया, फिर नहीं हुआ। तो मैं क्या किया, मैं यहाँ जो आपको दिख रहा ऑप्शन, ये कस्टमर सपोर्ट से बात करने का। ठीक है, तो मैं उससे बात किया, तो चलिए दिखा मैंने क्या सब उसको मैसेज किया था और मेरा वो जो है पैसा वापस कर दिया। सबसे पहले ये मैसेज मैं दिखा देता हूँ क्या सब आया था। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको सेंड किया, फंड्स हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम द कार्ड या वैलेट अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग बैलेंस। ठीक है, प्लीज़ सर हेल्प मी, प्लीज़ रिफंड माय बैलेंस। ठीक है, तो उधर से देख सकते हैं सपोर्ट की तरफ से क्या मैसेज आया, द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, प्लीज़ वेट, वी विल कॉन्टेक्ट यू विद सपोर्ट टिकट इफ यू। ये जब मैसेज आता है तो समझ जाइए आपका पैसा वापस आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं ये मैसेज आया था, थोड़ा देर से देता है मैसेज लेकिन आता है। उसके बाद लास्ट में देख सकते हैं डिपॉजिट हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिटेड योर ट्रेडिंग बैलेंस, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पैसे। पैसा आपको मिल जाएगा अगर आपका 1,000 है या 5,000 या 10,000 भी है, अगर वो पहले डो गया किसी कारण की वजह से तो भी आपका पैसा वापस दे देगा कॉर्टेक्स। ठीक है, और 5 से 6 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। और हमें बात कैसे करना है चलिए दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो है माई रिक्वेस्ट, आप जब पहली बार कीजिएगा तो आपको क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहा है, एक वेरीफिकेशन का, एक डिपॉजिट या विदड्रॉ का, एक अदर इशू। ठीक है, तो मेरा डिपॉजिट पहले हुआ है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फंड्स हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम द कार्ड या वॉलेट अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग बैलेंस। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिपॉजिट आईडी सिलेक्ट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है जो मेरा डिपॉजिट पहले हुआ था, आपका जितना भी रुपया का हो तो आप वहाँ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ उसके बाद आपको यस कर देना है और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आप जिस भी ब्रोकर ऐप से किए हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिस भी से UPI ऐप से किए हैं वो उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपका जो है बैलेंस मिल जाएगा और वो जो पैसा आपका आएगा यही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस हो गया था। ठीक है, ये सब करने की वजह से। और उसके बाद मैं 2-3 ट्रेड लिया तो मैं उसके बाद 1800 रुपया विड्रॉ किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे आपको अपना पैसा वापस लाना है, डिपॉजिट को सक्सेस करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।